सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ऐसी बात बताना चाहते हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते। अमेरिकन स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा के रिसेप्शन लॉबी में एक पेंटिंग है जिसमें एक लड़ाई का दृश्य दिखाया गया है और साथ में ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे रॉकेट के इस्तेमाल से एक योद्धा ने विशाल ब्रिटिश सेना को हराया था और ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि टीपू सुल्तान थे। जी हाँ, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉकेट के इतिहास में टीपू सुल्तान का क्या महत्व है। मैं हूँ सौरभ, आप देख रहे हैं रिवीलिंग गाइस, चलिए शुरू करते हैं। लगभग 300 साल पहले दक्षिण भारत के एक जाबाज योद्धा ने एक ऐसे हथियार का इजाद किया था जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये जाबाज योद्धा था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का नाम उन फ्रीडम फाइटर्स में लिया जाता है जिन्होंने 18वीं सदी में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ दोस्ती करने की बहुत कोशिश की लेकिन टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाया, इसलिए टीपू सुल्तान और अंग्रेज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। अपने इसी जानी दुश्मन के खिलाफ टीपू सुल्तान और उनके पिता अली हैदर ने 4 जंगे लड़ाइयां लड़ी थीं, जिन्हें आज एल्गो मैसूर वार कहा जाता है। जब इस लड़ाई में अंग्रेजों के गोला बारूद टीपू सुल्तान की तलवार पर हावी होने लगे तब टीपू सुल्तान ने अपनी फौज को एक ऐसा हथियार दिया जिसका सामना ब्रिटिश फौज ने पहले कभी नहीं किया था, वो हथियार जिसे इतिहास में मैसूरियन रॉकेट के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान के पिता अली हैदर एक सिपाही के बेटे थे। अली हैदर के पिता आर्मी के एक सिग्नलिंग डिवीजन के प्रमुख थे। उन दिनों छोटे रॉकेट का इस्तेमाल युद्ध के समय सिग्नल देने के लिए किया जाता था। वो कहते हैं ना कि हर महान खोज के पीछे एक सोच होती है। इन छोटे रॉकेट्स का इस्तेमाल सिग्नल देने तक ही सीमित रह जाता अगर अली हैदर ने ये ना सोचा होता कि इन सिग्नलिंग डिवाइसेस को जंग में हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अली हैदर ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कैसे इन सिग्नलिंग रॉकेट्स को मॉडिफाई कर जंग के मैदान में इनका इस्तेमाल किया जाए। तब उन्होंने ऐसा सोचा कि हम रॉकेट के बैम्बू को स्टील से रिप्लेस कर उसमें बारूद भर इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद अली हैदर के नेतृत्व में एक ऐसे स्टील के बने रॉकेट का प्रोडक्शन शुरू हुआ। अपने पिता के बनाए हुए रॉकेट ने टीपू को इतना इम्प्रेस किया कि इस मैसूर के शेर ने इन रॉकेट का रूप बदल कर इन्हें एक खतरनाक हथियार बना दिया। इन रॉकेट्स में 4 फुट लंबी तलवार को जोड़कर इस रॉकेट को उड़ाने का सिद्धांत बड़ा ही आसान था। जब इसे आग लगाई जाती तो इसमें भरा बारूद जलने की वजह से इस रॉकेट को अपोजिट दिशा में गति मिलती थी जिसकी वजह से ये लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करता था। इस रॉकेट में जो तलवार लगाई जाती थी इसका वजन रॉकेट से ज्यादा होता था, इसलिए रॉकेट में मौजूद बारूद खत्म होने पर ये तलवार हवा में चक्कर खाते हुए ब्रिटिश सेना पर गिरती थी और बहुत घातक नुकसान पहुंचाती थी। 1767 से 1799 तक मैसूर और ईस्ट इंडिया के बीच हुई लड़ाइयों में टीपू सुल्तान के इजाद किए गए विनाशक रॉकेट ने कहर मचाया था और फिर इन रॉकेट्स का सफलता से इस्तेमाल हुआ 1780 में मैसूर की दूसरी लड़ाई में। इस लड़ाई में ब्रिटिशों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा लेकिन फिर 1799 में मैसूर की चौथी लड़ाई में ब्रिटिशों के 50,000 सैनिकों ने मैसूर की राजधानी पर हमला बोल दिया। टीपू सुल्तान को इस प्रकार के हमले की उम्मीद न थी। ब्रिटिशों की सेना टीपू सुल्तान की सेना पर भारी पड़ गई और आखिरकार टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। टीपू सुल्तान तो नहीं रहे पर उनके बनाए रॉकेट ब्रिटिश पहुंच गए। इन रॉकेट की टेक्नोलॉजी समझने के लिए अंग्रेज इन रॉकेट्स को अपने साथ ले गए। टीपू सुल्तान के रॉकेट अब ब्रिटिश रॉकेट बन चुके थे। ब्रिटिशर्स ने नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ जो जंग लड़ी उनमें उन्होंने इस रॉकेट का इस्तेमाल किया। आज कई देश मिसाइल टेक्नोलॉजी में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और इस रेस में भारत भी पीछे नहीं है। आज भारत के पास कई सुपीरियर्स मिसाइल हैं। आज हमारे पास अग्नि है जो सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। हमारे पास ब्रह्मोस है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल है और इसके साथ ही इसकी रफ्तार साउंड से 3 गुना तेज है। लेकिन इन सारे रॉकेट्स की जड़ मैसूरियन रॉकेट है।
हैदर अली की सिर्फ एक सोच ने जंग के माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। हैदर अली और टीपू सुल्तान की देन का लाभ हम आज भी उठा रहे हैं। रॉकेट टेक्नोलॉजी सिर्फ वार के लिए नहीं होती है, इसके कई अच्छे फायदे भी होते हैं। आज रॉकेट टेक्नोलॉजी से ही स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की हुई है। रॉकेट की वजह से ही भारी वस्तुएं और कई उपग्रह आसमान की ऊंचाइयों पर लॉन्च किए जा सकते हैं। इन सब के बावजूद टीपू सुल्तान के इस सराहनीय कदम को आज हम नहीं भुला सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।